ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁରୁ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି, ଆବର୍ଜନା କମାଇବା ସହ ସୁସଜ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିଲେ ପ୍ରେରଣା। 21 ବର୍ଷୀୟ ନୀନା ଦେବୀଙ୍କ ନିଆରା କଳାକୃତି। ଯେକୌଣସି ବି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନଲୋଭା କଳାକୃତି। କୌଣସି ଅଦରକାରୀ ବୋତଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଦରକାରୀ କାଗଜପଟି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନ ଦେଇ ସେଥିରୁ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍ କରି ତାକୁ ଘରେ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଉଧମପୁରର ନୀନା ଦେବୀ। ବୟସ 21 ବର୍ଷ, ହେଲେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଆଗ୍ରହ ନିଶାରେ ପାଲଟିଗଲା, ଆଉ ଏବେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକୃତି। ଯେଉଁ କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଳାକୃତି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବଚପନ ସେ ଇସକୋ ଶୌକ ଥା ଯେ ଫୁଲ ଶୁଲ ବନାନେ କା, ତୋ ମେ ମନେ କରତି ବେଟା ଆଉ ପଢ଼ୋ ଲିଖୋ ଯେଇ କର ବୋଲତି, ମମ୍ମା ମେନେ ଯେଇ କରନା ହେ ଫୁଲ ବି ବନାନେ ହେ ପଢ଼ନା ବି ହେ ମେନେ। ଠିକ ହେ ବେଟା, ଚାଲତି କାଲେଜ ବି ଯାତି ପହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯାତି, ତୋ ରାସ୍ତେ ମେ କୁଛ କୁଛ ମିଲତା ତୋ ଘର ମେ ଲାନା, ଇସ ଲାନା ଘର ମେ, ତୋ ଆଗେ ପଢ଼ନା ବି ଥୋଡ଼ା ଟାଇମ ମିଲେଗା ତୋ ଫୁଲ ବନାନା। ଠିକ ହେ ବନାତେ ବନାତେ ସାରି ଚିଜୋଁ କି ଜାନକାରୀ ହୋ ଗଈ। ठीक है बेटा, बनाना तो बनाओ, फिर बनाती हूँ, सारा कुछ बनाती है, बोतलें भी लाती है, पुराने पुराने गली में बोतलें पड़ती है वो भी घर भी लाती है, उसको भी शैल सजाती है, सारी सारा कुछ कर लेती है। बेटी जो काम कर रही है इससे हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो क्लीनिंग ला रही है, जो प्रधानमंत्री ने योजना बनाई थी कि स्वच्छ भारत हो, हम चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि सारे बच्चे जागरूक हों और ऐसा ही काम करें कि वेस्ट मटेरियल जो होता है उसका तो इससे थोड़ा कम होगा। जैसे कार्डबोर्ड वगैरह लाती है उसके ऊपर पेंटिंग करती है, बोतल के ऊपर जैसे फूल जैसा कुछ बनाती है, बस हर वक्त अच्छा काम करती है जो भी करती है। हम युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे हमारी बेटी काम कर रही है, अगर ऐसे ही सारे करेंगे तो जो प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है वो कोई दूर नहीं है कि सारा भारत स्वच्छ हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को ठारु प्रेरणा पाई कथा कहती नीना देवी। ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକଳା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକଳା ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କମ୍ ହେବା ସହ ଘର ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜିତ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୀନା ଦେବୀ। मुझे बचपन का ही बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करूं, बट मुझे वो एक्सपोज़र नहीं मिल पाया। फिर मैं हमारे पीएम मोदी जी से इंस्पायर हुई, उन्होंने जो क्लीनिनेस ड्राइव का अभियान चलाया तो उससे मेरे को ये प्रेरणा मिली कि जो हमारी जो वेस्ट चीज़ें हैं हम भी उसको कैसे मतलब कि यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि गली मोहल्ले में इतना सारा वेस्ट बॉटल्स हो गई, वेस्ट कार्डबोर्ड्स हो गई, लोग इसी तरह फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है वो सारा वेस्ट बह के नालों में बह जाता है, तो उसमें नाले बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सारा पानी बारिश का हमारे ये रोड्स पे आ जाता है, जिससे हमारे रोड्स भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो अब मैं सबको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, किस में करना है कि जो भी वेस्ट चीज़ें हैं उसको हम किस वे से यूटिलाइज़ करें, किस वे से यूटिलाइज़ करके हम उनका या तो कुछ उसका अच्छे से डिस्पोज कर पाएँ या तो उससे कुछ अच्छा बना पाएँ। और बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इंस्पायर मेरे टीचर से मिली है, मेरे कॉलेज के टीचर से बहुत ज़्यादा मैं इंस्पायर हुई हूँ। और ये मैंने आर्ट एंड क्राफ्ट का काम बेसिकली लॉकडाउन में स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई काम ही नहीं होता था। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୀନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆବର୍ଜନା ସଫା ରହିବା ସହ ଘର ମଧ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଉଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏପରି ସମସ୍ତେ ଅଦରକାରୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।